हेलो एवरीबॉडी वेलकम एट एम्यू आई एस द लीडर इन द प्रेपरेशन फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच हैज़ सो फार प्रोड्यूस्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सिलेक्शन इन ए टाइम स्पेन ऑफ जस्ट ट्वेंटी थ्री ईयर सिंस इट्स बिगनिंग इन नाइनटीन मैं डॉक्टर एच एस सिधू अबन्यू आई एस में इंडियन एंड इंटरनेशनल टीच करता i have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than 15 years and i have authored many books also for the preparation of the upsc and uh, state civil services examinations. Mm -hmm. before moving ahead, let me share an important piece of information with you. at abhimanyu is, we are commencing fresh batches for the preparation of the upsc and state civil services preliminary and main examination targeting 2023-24. Uh, this will be a one year program which will be available through offline and online mode. If you want to join, you may click on the link given in the description. Even if anybody wants to join specifically the Indian economy module, he or she can do so also uh, by clicking on the link given in the description. So, I will be providing some. फ्री ट्रायल क्लासेज ऑल्सो फॉर द इंडियन इकोनमी मॉड्यूल सो अभी अभी मैं न्यू आई एस के अंदर हमारी एक कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ़ द यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन दोजार डिस्कस्ड सो आज मैंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए Choose Kia hai, that is related with the Indian economy. And the name of the topic is uh, green bonds. Uh, you must be knowing that uh, uh, in 2022, uh, when our finance minister was uh, presenting the budget in the parliament, uh, budget for the year 2022-23, then she announced that uh, in the financial year ending 2023.

या जो वीडियोस यहाँ हम अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर आप उनको सुनते होगे देखते होगे डेफिनेटली तो उसी सीरीज़ के अंदर ये आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ सो इसमें पहले हम ये समझेंगे कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं फिर हम समझेंगे कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं भारत के अंदर सावरन ग्रीन बॉन्ड्स सो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट व्हाट आर द ग्रीन बॉन्ड्स सो पहली बात तो ये है कि ग्रीन बॉन्ड्स इसमें जो एक की वर्ड है दैट इज बॉन्ड वी ऑल नो दैट बॉन्ड्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज बाय द कॉरपोरेट्स और द गवर्नमेंट्स टू रेज finance for the various projects and uh, when we talk about the green bonds so we can say that uh, green bonds are those debt instruments uh, which are used to raise finance for climate and environmental projects okay so climate uh, you can say climate change and uh, environmental change this is a very hot topic. Uh, and the entire world is worrying about this the pace at which the climate or the environment is changing and uh, the almost the entire world is perceiving the threat from uh, this change so therefore uh, uh, almost all the governments of the various countries are uh, working very seriously and responsibly uh, to टेकल दिस थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज और टू एड्रेस दिस थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज सो उसी संदर्भ में ये ग्रीन बॉन्ड्स की जो एवोल्यूशन हुई है या ग्रीन बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन uh, की गई है सो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू रेज फाइनांस फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स सो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स वेच आर द लार्ज स्केल लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियट प्रोजेक्ट्स इट मीनस लार्ज स्केल क्लाइमेट रेजिलियट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए यू कैन से लार्ज स्केल लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं uh, ये सो जो ग्रीन बॉन्ड की एज सच जो टर्म है दैट इमर्ज इन द ईयर 2007 व्हेन सम बॉन्ड्स सेल्फ लेबल्ड और डेजिग्नेटेड एज ग्रीन अपीय सो इसकी जो ग्रीन बॉन्ड्स की जो उत्पत्ति है वो 2007 में होती है जब कुछ सेल्फ लेबल्ड या कुछ सेल्फ डेजिग्नेटेड बॉन्ड्स एज ग्रीन बॉन्ड्स दोज अपीयर्ड इन द मार्केट सो ग्रीन बॉन्ड्स आर डिफरेंट फ्राम द रेगुलर बोंड्स क्योंकि एक रेगुलर uh, बोंड्स होते हैं जिन्हें हम पहले बॉन्ड्स के नेम पे जानते हैं सो इन द सेंस दैट द फॉर्मर सिग्निफाइज ए कमिटमेंट टू एक्सक्लूसिवली यूज फंड्स रेज टू फाइनेंस और रीफाइनेंस द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स और रीफाइनेस द क्लाइमेट प्रोजेक्ट सो वी कैन से दैट कि हमारे जो ग्रीन बॉन्ड्स एंड रेगुलर बॉन्ड्स के बीच एक ये डिफरेंस है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनके थ्रू जो भी फ़ंड रेज़ किया जाएगा दैट फंड शेल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग और रीफाइनानसिंग द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इस पैसे को कहीं और नहीं यूज़ किया जाएगा सो वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज ईशूड इन टू थाउजेंड सेवन पहली बार ग्रीन बॉन्ड वर्ल्ड में टू थाउजेंड सेवन में इशू हुआ बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द नेम ऑफ दैट बॉन्ड वाज क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कि वर्ल्ड का जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वो टू थाउजेंड सेवन में ईशू किया गया और उस बॉन्ड को इशू किसने किया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इशू किया था उस बॉन्ड का नेम क्या था क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड वाज़ द नेम ऑफ दैट बॉन्ड और उसके बाद फिर 2008 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड था जो वो भी इशू किया गया सो अप टू दिस पॉइंट और अप टू दिस पार्ट लेवल ऑफ द लेक्चर वी आर क्लियर दैट ग्रीन बोंड्स एर दो आर दोज बोंड्स द फंड रेस्ड थ्रू विच इज़ यूज फॉर द कलाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और फाइनेंस और री फाइनेंस द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स एंड दिस टर्म अपीयड इन टू थाउजेंड सैवन ग्रीन बोंड्स एंड द फर्स्ट ग्रीन बोंड इन द वर्ल्ड वॉज इशुड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अंडर द नेम क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड एंड टू थाउजेंड एट में फिर वर्ल्ड बैंक अपना पहला ग्रीन बोंड इशू करती है सो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स सो जब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं जब इनकी जो रीपेमेंट की या इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की जब गारंटी किसी कंट्री की गवर्नमेंट या उस कंट्री का सॉवरन लेता है तो उसको हम सॉवरन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं इन वेरी सिम्पल लैंग्वेज वी कैन से दैट सेवर ग्रीन सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स और दोज ग्रीन बॉन्ड्स विच आर इशूड बाई द गवर्नमेंट और दॉवरन सो वर्ल्ड का जो पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड था इसको हम सॉवरण ग्रीन बॉन्ड कहेंगे वर्ल्ड का पहला सॉवरन ग्रीन बोंड वॉज इशूड बाई पोलैंड एंड फ्रांस इन द ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन सो दुनिया में पहला सॉवरन ग्रीन बोंड पोलैंड एंड फ्रांस में अर्ली 2017 में इशू किया गया था सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगेन एंड देन यहाँ हमने बात की है कि ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज डेट इंस्ट्रूमेंट्स द फंड्स रेज्ड थ्रू विच आर यूज्ड टू फाइनेंस और रीफाइनेंस द ग्रीन प्रोजेक्ट्स सो नाउ द पॉइंट इज दैट ग्रीन प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को एक ग्रीन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं सो दीज आर द फोर वी कैन से की प्रिंसिपल्स फर्स्ट इज दैट वो प्रोजेक्ट विच आर देयर टू एनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन सो जो प्रोजेक्ट एनर्जी एफिशिएंट को एनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी को इनक्रेज करते हैं

एंड इम्प्रूविंग नेचुरल एकोसस्टम एंड बायोडावर्सिटी एंड वो प्रोजेक्ट जो नेचुरल एकोसस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर इस्पेली इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सो जो प्रोजेक्ट्स इन चारों में से एक या एक से ज़्यादा यू कैन से क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में ले लेते हैं सो देन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया जैसे मैंने पहले बोला है कि इन हर बजट स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारामन, शी अनाउंसड दैट एज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवरऑल मार्केट बोरोइंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

कि जो ओवरऑल मार्केटिंग मार्केट बॉरिंग रहेगी इस साल में उसके अंदर कुछ ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ मोबलाइजिंग रिसोर्स फॉर डेवलपिंग और फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री Uh, green bonds issue, karegi. Okay. and the proceeds will be deployed in public sector projects uh, that help in reducing the carbon intensity of the economy. okay, take a green bonds issue, karke aayega so that money will be utilized uh, or will be invested in the public sector projects. Uh, those projects which will help in reducing the carbon intensity of the economy. सो ग्रीन बन बॉन्ड्स आर ग्रीन सिक्योरिटीज़ आर नॉर्मली कैटेगराइज इन टू ट्रेजरी बिल्ज और डेटेड और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज अगर वो ट्रेजरी बिल्ज रहेंगे तब यूजली वो बॉन्ड्स की कैटेगरी में तो उनको हम नहीं लेंगे उनको हम ग्रीन सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी में लेंगे बिकॉज ट्रेजरी बिल्ज़ आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्किट द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ विच इस लेस देन 365 डेज सो so, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे एंड जो डेटेड सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं दीज आर दो सिक्योरिटीज़ जिनका मेचोरटी पीरियड 365 डेज या उससे ज़्यादा होता है तो उनको हम लॉन्ग टर्म या डेटेड सिक्योरिटीज़ कहते हैं सो so, अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं दैन वी विल बी Talking about the dated or long term securities, which are the instruments of the capital market. If we talk about green securities, then we will be talking about the treasury bills, which are short term securities and which are the instruments of the money market. So, uh, then climate bonds versus green bonds. Climate bonds come under the category of uh, green bonds. ग्रीन बॉन्ड्स लेते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर एक सब कैटेगरी है जिसको हम क्लाइमेट बॉन्ड्स कहेंगे ओके okay. सो so क्या है कि क्लाइमेट बॉन्ड्स स्पेसिफिकली फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस कार्बन एमिशंस और एलिविएट द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सो ये जो क्लाइमेट बॉन्ड्स हैं ये वो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं या ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम कह सकते हैं जो के या क्लाइमेट बॉन्ड्स उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इशू किए जाते हैं जिनका पर्पस क्या होता है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना या एलिवेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज चल रही है उसके इफेक्ट को रोकना सो ये पर्पस होता है क्लाइमेट बॉन्ड्स का बट ग्रीन बॉन्ड्स है जो ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है एंड इट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स विच डू हैव द पॉजिटिव एनवामेंटल इम्पैक्ट ओके सो नए ऐसे प्रोजेक्ट लगाना जिनका एनवायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पेक्ट ना हो तो वैसे प्रोजेक्ट लगाना एक तो हो गया वो वाले प्रोजेक्ट लगाना जो कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हों या जो प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पेक्ट हैं उनको एड्रेस करने के लिए हों एक वो प्रोजेक्ट लगाना जिनका पॉजिटिव एन्वामेंटल इम्पैक्ट हो सो दैट मीन्स वी कैन से दैट जो भी हम uh, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स वी कैन से उनको हम दो कैटेगरीज में ले सकते हैं ओके okay, एक वन वी कैन सेट दोज प्रोजेक्ट्स विच आर टू रिड्यूस द रिड्यूस कार्बन एमिशंस रिड्यूस कार्बन एमिशंस एक तो वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर विच आर देयर टू एड्रेस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए होते हैं एक वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं एंड दूसरा कैटेगरी वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं विच आर हैविंग द पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सो जिन प्रोजेक्ट्स का पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है पॉजिटिव एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ओके सो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स एंड ये पर्टिकुलर कैटेगरी है जो दिस इज द क्लाइमेट बॉन्ड्स सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन बॉन्ड्स एंड द क्लाइमेट बॉन्ड्स सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे write in the uh, comment box i will be happy to address your query uh, thank you very much all the best next time ek nai topic ke sath